हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शरीर में खून की कमी होना को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपाय या देसी उपाय या आयुर्वेदिक उपाय या तरीके क्या होते हैं, जिनके द्वारा आप बिना दवा या सिरप के या किसी खूनवर्धक दवा के बिना आप अपने शरीर में खून की मात्रा को नॉर्मल कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाकर खून की कमी को कुछ ही दिनों में दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, वास्तव में वो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य करता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपके शरीर की कोशिकाओं और अंगों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण आपको अनीमिया के लक्षण महसूस होने लगते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी रहना, हल्का सा कार्य करते हुए तेज सांस चढ़ जाना, दिल की धड़कनें तेज रहना, शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा ना होना, यानी आपकी शरीर की शक्ति एकदम कमज़ोर पड़ जाना, हाथ पाँव ठंडे रहना, मानसिक तनाव की समस्या अधिक रहना, बार बार चक्कर आने की या सिर चकराने की समस्या अधिक होना। यदि आपको ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो, यानी आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो। दोस्तों, अनीमिया के लक्षण नजर आने पर सबसे अच्छा इलाज होता है डॉक्टर से दवा या सिरप लेना, जिसके द्वारा तेजी से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन या खून की मात्रा में बढ़ोतरी होने लग जाती है। यदि आप किसी कारण से डॉक्टर की दी हुई खूनवर्धक दवा या सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं ले सकते, तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय या तरीके होते हैं जिनके द्वारा आप अपने शरीर में तेजी से खून बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपके खून में हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है और शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए जरूरी होता है उन चीज़ों का अधिक सेवन करें जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी को पाने के कई उपाय होते हैं। आप संतरा, मौसम्बी का जूस पीजिए, आप नींबू पानी सुबह शाम पीजिए। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए आपको ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। अब क्योंकि आपका शरीर विटामिन सी पा रहा है, तो अब आपको आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबसे अच्छे आयरन के स्रोत होते हैं चुकंदर और अनार। चुकंदर और अनार के जूस का सेवन करने से आपके शरीर में तेजी से खून की मात्रा बढ़ने लगती है। हो सके तो आप चुकंदर और अनार का कुछ दिन नियमित रूप से सेवन करें। ये दोनों ही पोषण से और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये फल और सब्जी आपके शरीर में खून की मात्रा तो बढ़ाते हैं, साथ में आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा और पोषण देते हैं, जो कि आपके शरीर में एनीमिया के लक्षणों को दूर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, काले तिल का यदि आप सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में तेजी से हीमोग्लोबिन या खून की मात्रा बढ़ती है। भिगोए हुए काले तिल के एक चम्मच पेस्ट का शहद के साथ रोजाना सेवन करने से आपके शरीर में 7 से 10 दिनों में बहुत अधिक मात्रा में खून बन जाता है और आपकी एनीमिया की शिकायत दूर हो जाती है। दोस्तों, किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। रोजाना रात को 10-12 किशमिश भिगोकर रख दीजिए पानी में, सुबह उठकर इनको खाइए और पानी का सेवन कर लीजिए। इससे तेजी से आपके शरीर में खून का निर्माण होने लगेगा। इसके अलावा रोजाना रात को सोने से पहले दूध के साथ खजूर का सेवन करें। खजूर कैसी भी हो, आपके खून को बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, शरीर में खून की मात्रा को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करना। पालक, सरसों, मटर, ब्रोकोली, जो भी आपको हरी सब्जियां मिले उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करके, ऐसा करने से आपकी एनीमिया की जो समस्या है वो जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक बात ज़रूरी होती है, जब आपके शरीर में खून की कमी हो और आप उसे दूर करने के लिए घरेलू उपाय अपना रहे हों, तो आपको उन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो कि आपके शरीर में खून की कमी पैदा करती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन। चाय कॉफ़ी के स्थान पर आप ग्रीन टी नींबू डालकर पीते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ्रूट्स में सेब में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिसका सेवन करने से आपके शरीर में खून की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए रोजाना सुबह शाम को सेब का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गन्ने से
बना हुआ जो गुड़ होता है, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में तेजी से हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसलिए रोजाना नियमित रूप से गुड़ खाने की आदत आप बना लें। भोजन के बाद आप गुड़ और सौंफ का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को आयरन भी मिलेगा और आपका पेट सही रहेगा, पेट की सेहत भी अच्छी रहेगी। रोजाना रात को 10 बादाम भिगो कर रखिए, सुबह उनको छिलके के समेत खा लीजिए। इससे आपको वो ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे जिनसे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिनको अपनाकर आप अपने शरीर में खून की कमी को तेजी से पूरा कर सकते हैं। यदि आपको इन उपायों को करने के बाद भी अपनी कंडीशन में सुधार नजर नहीं आता, तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाकर दवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।